इतनी धूल यहाँ पे पेड़ों पे चढ़ गई और इसमें कुछ फसल निकली नहीं, सर पूरा नुकसान हो गया, तमाम लोगों का नुकसान हो गया, पेड़ बर्बाद हो गए बिकॉज़ ऑफ। साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त गुड़सतू से चाडोरा जा रहा हूँ, बड़गाम चाडोरा रोड है, गुड़सतू मैंने क्रॉस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर रिंग रोड बन रहा है, देख सकते हैं मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल होती है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है लोगों का। लोगों चाहेंगे कि जो ये काम करती है एनकेसी, इनको चाहिए कि कॉन्स्टेंटली ये जो है इसमें छिड़काव करें पानी का, पानी का। इतनी धूल यहाँ पे पेड़ों पे चढ़ गई और इसमें कुछ फसल दिख नहीं है, पूरा नुकसान हो गया, तमाम लोगों का नुकसान हो गया, पेड़ बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, ये पेड़ बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। तो सीधे सीधे वायलेशन है जो एयर पोल्यूशन एक्ट है 1981 का, उसकी क्लियर वायलेशन है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इनको कॉन्स्टेंटली छिड़काव करना है, इन पेड़ों पे इनको छिड़काव करना है पानी का, प्रेशर से पानी मारना है, रोज धूल उतारनी है वहां से, कोई इस पे काम नहीं करना है। हमारी अथॉरिटीज है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी सोए हैं, जे एंड के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो अथॉरिटीज है वो भी सोई है, और लोग भी सोए हैं। लोगों को भी लग रहा है हो रहा तो हो रहा है, उनको भी कोई एहसास नहीं है, खाली बेचारे वही जो इसके ओनर हैं, घर वाले हैं, वो कितना चलाएं, कहाँ जाएं। मैं चाहूँगा कि इसका नोटिस दिया जाना चाहिए, जो यहाँ के SDM हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, और डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए इसका नोटिस ले। और ये जो रिंग रोड का काम चल रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, ये पानसन और गुड़सतू का इलाका है, इसमें कॉन्स्टेंटली जो है पानी का स्प्रे होना चाहिए, रोड पे भी होना चाहिए और आजू बाजू में जो खेत है और पेड़ है इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों के जो इंसानों का हेल्थ है यहाँ पे, लंग डिजीजेस, बाकी ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इससे बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है इन इलाकों में, पांजन, गुड़सतू, लालगुंड, ये लालगाम, इन इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।